हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा द स्कूल ऑफ आर्ट। लैंडस्केप हम लोग का हो रहा था, राइट। तो आज हम लोग थोड़ा सा हटके कुछ करेंगे, फ्रूट्स आज हम लोग सीखेंगे, राइट। तो तीन फ्रूट्स हम लोग सीखेंगे आज। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो, एक ओवल मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने एक कप बनाया और इधर मैंने और एक ओवल बनाया, राइट। इन सब चीज़ों से आज क्या बनेगा, शेप बनेगा हम लोग, कौन सा शेप, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स बनने के लिए पहले क्या करना होगा हम लोगों को, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपली इसको लाके ऐसे घुमा देना है, राइट। देख सकते हो ये मैंगो के जैसा लग रहा है, राइट। फिर उसको ऊपर से लेके ऐसे करके लगा दो, या फिर आप ये बन गया मैंगो। इसके लिए आप देखो, इसमें एक आप बीच में लाइन दे देना, राइट, पेंसिल से, और एक लाइन दे दो तो डिवीजन हो जाएगा पूरा अच्छे से। अभी देखो क्या करना है आपको, वन और इधर एक, राइट। इसके ऐसे ऊपर से लाते हुए इसमें लगा दो, इसको भी सेम टू सेम ऊपर से लाते हुए इसमें लगा दो, राइट। यहाँ पे एक हो गया एप्पल, राइट। देन कमिंग टू, पहले शेप को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, राइट। वन टू थ्री, राइट। ये भी थोड़ा सा खराब हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां से टेन ही निकाल दो, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का वाटरमेलन, राइट। नाउ इट्स टाइम फॉर कलरिंग, राइट। तो कलर सीखते हैं। कलर से पहले हम लोग को पहले ये सब जो अनवांटेड लाइंस है दैट नीड टू बी इरेज, राइट, उसको पहले इरेज कर लेते हैं ताकि एक्चुअल जो हम लोगों ने बनाया वो दिखे हम लोग अच्छा से, राइट। इसमें येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, राइट। तो इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग येलो से, राइट। पहले येलो पूरा सा टाके भर्ती कर देते हैं इसमें, जैसे कि येलो हो गया, राइट। नाउ इट्स टाइम फॉर शेडिंग विद द ऑरेंज कलर, राइट। थोड़ा सा हल्का सा शेडिंग देंगे हम ऑरेंज कलर से, पूरा येलो को मैश नहीं करने का जरूरत नहीं, राइट। अब थोड़ा थोड़ा येलो भी रखो, ऑरेंज भी रखो, थोड़ा सा ग्रीन भी रखो तो अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा लाइट ग्रीन से शेडिंग करेंगे, राइट। थोड़ा थोड़ा रेड से भी, थोड़ा सा ये मैंगो रेडी हो गया, राइट। इट्स टाइम फॉर एप्पल। में क्या होता है, बेसिकली हम लोग को पता है कि इसमें रेड कलर ही होता है, राइट, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली रेड, राइट। इसमें मिक्सिंग रहता है, रेड कलर ना ये रेड है ना ये रेड है, राइट। तो ये है ऑरेंज, ये है अपना रेडी बोलते हैं, बट इट्स अ डार्क पिंक, राइट। तो इन दोनों को मिक्स करके हम लोग रेड बना सकते हैं, राइट। उसी चीज़ को हम लोग देंगे एप्पल में, राइट। तो देखते हैं, पहले ऑरेंज, जैसे कि ऑरेंज पहले मैंने दे दिया, राइट। अब इसके ऊपर से मेरे को रेड देना है, तभी ये देखने में पूरा एप्पल जैसा लगेगा, लाल लगेगा, राइट। ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये एप्पल तो रेडी हो गया, राइट। नाउ इट्स टाइम फॉर वाटरमेलन, राइट। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, बारी बारी देना है, राइट। तीन, एक दो तीन, चार सेगमेंट, राइट। तो चार सेगमेंट में आप लोगों को सेपरेट सेपरेट करके ग्रीन देना है, राइट। पहले डार्क ग्रीन, उसके बाद उसके ऊपर में डार्क लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन के ऊपर में डार्क ग्रीन, सॉरी, पहले लाइट ग्रीन देंगे, सेम सेगमेंट में ऐसे करके पूरा भर्ती करके नहीं, सेगमेंट वाइज, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ग्रीन कलर पूरा कंप्लीट कर लिया, लाइट ग्रीन, राइट। अभी मेरे को देना है डार्क ग्रीन से थोड़ा सा शेडिंग, राइट। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने इस साइड से डार्क ग्रीन किया, इस साइड से मैं डार्क ग्रीन किया, और बीच में मैंने मिक्स नहीं किया उसको अच्छे से, राइट। इट शुड लुक लाइक दैट ओनली, राइट, देन ओनली अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और ये बाज़ार में ऐसे अवेलेबल होता है। तो एनीवेज, तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा है शेप्स से फिर से ऑब्जेक्ट बनाना, राइट। शेप्स हम लोगों ने कौन सा लिया था, दो ओवल और एक टू कप। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा, कप से सीखा हम लोगों ने एप्पल, ओवल एक से सीखा हम लोगों ने मैंगो, और ओवल टू से सीखा हम लोगों ने वाटरमेलन, राइट। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना आपका ड्राइंग में सुधार आएगा, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।